है और न भारत को लाना है, क्योंकि आज रानी लक्ष्मीबाई है, सिर्फ 33 साल उन्होंने जीवन जिया, चंद्रशेखर आजाद है इतना कम जीवन जिया, लेकिन आज तक जिंदा है। तो अब्दुल कलाम जी, हम कौन सा ब्रांडेड पहनते थे, पहनते थे कोई ब्रांडेड, लेकिन अब्दुल कलाम जी को कोई भूल नहीं सकता। तो हमें अपना ऐसा जीवन बनाना है, अपने बच्चों को, सबको, युवा पीढ़ी को रोग मुक्त जीवन देना है, कि हमारा, हम एक सबसे प्रॉमिस मांगते हैं, कल जब जो भी आएंगे उनसे एक प्रॉमिस मांगेंगे कि जब तक आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में नहीं बदल जाए, इस धरती को छोड़ना अलाउड है, उसको हम सक्सेस मानते हैं। सक्सेस डजंट मीन पैसा, दैट इज प्रोग्रेस। सक्सेस और प्रोग्रेस का डिफरेंस होता है। और खाना शुरू कर देते हैं। डी फॉर डोपामाइन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन, ई फॉर एंडोर्फिन। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारा शरीर हमेशा पैदा करता है, लेकिन हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमारा मन हमेशा एंग्जाइटी में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, चैलेंज में रहता है। एक छोटा बच्चा भी स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाना पड़ता है कि मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। ये एक रोग बन गया है, क्योंकि आज के दिन किसी के पास कितना भी पैसा है, इतनी कारें पहले नहीं थी दुनिया में, ठीक है, 15 साल पहले, 10 साल पहले एक घर में 10 जने होते थे, एक कार होती थी, तो भी लोग मजे से घूमते थे। आज एक घर में 4 जने हैं, 6 कारें हैं, पर लोग दुखी हैं, तो उस दुख से मुक्त कराना चाहते हैं। तो कोई मन से अपंग ना रहे, कोई तन से अपंग ना रहे। तीसरी चीज जिसमें दुनिया फंस गई है वो है ब्रांडेड। तो हम बोलते हैं कि ब्रांडेड को भगाना है और खुद को ब्रांडेड बनाना है और न भारत को लाना है, क्योंकि आज रानी लक्ष्मीबाई है, सिर्फ 33 साल उन्होंने जीवन जिया, चंद्रशेखर आजाद है इतना कम जीवन जिया, लेकिन आज तक जिंदा है। तो अब्दुल कलाम जी, हम कौन सा ब्रांडेड पहनते थे कोई ब्रांडेड, लेकिन अब्दुल कलाम जी को कोई भूल नहीं सकता। तो हमें अपना ऐसा जीवन बनाना है, अपने बच्चों को, सबको, युवा पीढ़ी को रोग मुक्त जीवन देना है, कि हमारा, हम एक सबसे प्रॉमिस मांगते हैं, कल जब जो भी आएंगे उनसे एक प्रॉमिस मांगेंगे कि जब तक आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में नहीं बदल जाए, इस धरती को छोड़ना अलाउड है, उसको हम सक्सेस मानते हैं। सक्सेस डजंट मीन पैसा, दैट इज प्रोग्रेस। सक्सेस और प्रोग्रेस का डिफरेंस होता है। और खाना शुरू कर देते हैं। डी फॉर डोपामाइन, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सेरोटोनिन, ई फॉर एंडोर्फिन। ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारा शरीर हमेशा पैदा करता है, लेकिन हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमारा मन हमेशा एंग्जाइटी में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, चैलेंज में रहता है। एक छोटा बच्चा भी स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाना पड़ता है कि मुझे फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। ये एक रोग बन गया है, क्योंकि आज के दिन किसी के पास कितना भी पैसा है, इतनी कारें पहले नहीं थी दुनिया में, ठीक है, 15 साल पहले, 10 साल पहले एक घर में 10 जने होते थे, एक कार होती थी, तो भी लोग मजे से घूमते थे। आज एक घर में 4 जने हैं, 6 कारें हैं, पर लोग दुखी हैं, तो उस दुख से मुक्त कराना चाहते हैं। तो कोई मन से अपंग ना रहे, कोई तन से अपंग ना रहे। तीसरी चीज जिसमें दुनिया फंस गई है वो है ब्रांडेड। तो हम बोलते हैं कि ब्रांडेड को भगाना है और खुद को ब्रांडेड बनाना है। पहले नेगेटिव विचार आता है ना, पॉजिटिव मुश्किल से आता है, तो हम वो नेगेटिव से पॉजिटिव सोचना सिखाते हैं। और जैसे जैसे हम पॉजिटिव होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारी बॉडी से सारे रोग, डिसीजेस दूर होते चले जाते हैं। मैम एक बात है, आपका पहले प्रोग्राम के बारे में बताइए। सिलीगुड़ी में पहली बार हरिओम स्माइल्स आया है। अभी हमने हरिओम स्माइल्स, क्योंकि ऑल ओवर भारत ये काम कर रहा है, देश विदेश में काम कर रहा है, तो अभी हमारा मेन स्लोगन है, ना कोई मन से अपंग रहे और ना कोई तन से। तो मन से अपंगता को दूर करने के लिए हम लोग जगह जगह रूबरू प्रोग्राम करते हैं, अपनी रूह से मिलवाते हैं, अपनी आत्मिक शक्ति से मिलवाते हैं। अभी सिलीगुड़ी में पहली बार आए हैं, लेकिन ये शुरू हुई है ड्राइव कलकत्ता से 23 सितंबर से। वहाँ पर हमने अंगदान अभियान रखा है, जिसमें जितने भी लोग अपंग हैं उनको आर्टिफिशियल लिम्स दिए जा रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि यहाँ पर भी कल होगा। और ये ड्राइव खाली एक दो शहर में नहीं, पूरे भारत को विकलांगता से मुक्त कराना है। तो हमारा नारा है विकलांगता मुक्त भारत को चमकाना है, और हर एक इंसान को यही सपना दिखाना है, खुश रहने की सलाह ना देकर खुश रहने की वजह बनते जाना है। ना कोई तन से अपंग रहे और ना कोई मन से अपंग रहे, सबको बस यही फरमान सुनाना है। इसके लिए हम सिलीगुड़ी आए हैं, कल रूबरू यहाँ पर भी होंगे, देश विदेश में हर जगह इसके लिए। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो जादू की पोटली है, जिसको हमने अंधविश्वास समझकर छोड़ दिया,
जैसे हम लेडीज को बताते हैं आज के दिन कि अगर आप बिंदी लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे, तो सिंदूर में मर्करी लाइम टर्मरिक होता है। जितने भी आजकल IVF इलाज कराने पड़ रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे, रिप्रोडक्शन स्मॉल होती जा रही है। देखिए पहले की लेडीज 10-10, 12-12 बच्चे कर लेती हैं, आज एक बच्चे को लाने के लिए कितना सारा मेडिकल साइंस को जोड़ना पड़ता है। लेकिन सिंदूर में मर्करी लाइम टर्मरिक है, जो हमारे सिर के सेंटर में लगाते हैं, जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जब वो एक्टिवेट होता है तो हमारे यूट्रस में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ताकत रिलीज होती है और बच्चा बहुत ईजिली जन्म लेता है। इसीलिए प्रथा थी कि अगर कोई विडो हो जाए तो सिंदूर नहीं लगाना, क्योंकि अब उसको बच्चे नहीं पैदा करना। तो हमारी संस्कृति साइंस बियॉन्ड साइंस है, कि लोग सोचते हैं कि मंदिर जा रहे हैं भगवान को खुश कर रहे हैं। भगवान कहाँ नहीं है, आपके कैमरे में नहीं है, इस इंटरव्यू में नहीं है, इस रूम में नहीं है, भगवान तो हर जगह है। पर मंदिर में जाना, मंदिर वहाँ बना, मैग्नेटिक पावर सबसे ज़्यादा होती है। हम जब चप्पल उतार के जाते हैं तो हमारे पैरों में ऐसी शक्ति है कि वो कुछ भी अब्जॉर्ब कर सकता है। तो पैरों की शक्ति से जब हम मंदिर में चलते हैं नंगे पैर, तो धरती पे जो कॉस्मिक पावर है उसको हमारे शरीर में हम अब्जॉर्ब करते रहते हैं। जैसे हम टेलीफोन चार्ज करते हैं, अपने शरीर को वहाँ चार्ज करते हैं। ये छोटी छोटी बातें जब हम कॉलेज स्कूल्स में बताते हैं, तो जो बच्चे आजकल 2-2, 3-3 बजे सो रहे हैं, वो सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करते हैं। और 4 बजे कॉस्मिक पावर सबसे ज़्यादा होती है पृथ्वी पर। ऑक्सीजन की पावर सबसे ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की पावर सबसे कम होती है। जो 4 बजे से 5 बजे तक मेडिटेशन करता है, उसके शरीर में 18 प्रकार के ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो फिर पूरे दिन में कभी भी नहीं होते। तो हम पूरे दिन दवाइयाँ लेने लग गए हैं, बच्चे और बड़े, जिसको बोलते हैं अभी मेरी ये डोज का टाइम हो गया, वो डोज। हम एक सिंपल डोज पीढ़ी को वापस पाँव छूना सिखाते हैं, और हम अपने गैजेट्स से दिखाते हैं कि सिर्फ पाँव छूने से शरीर का कोई भी रोग चला जाता है। और हमारे पास साइंटिस्ट के बनाए हुए गैजेट्स हैं जिनसे हम प्रूव करके दिखाते हैं, तो यंगस्टर्स मान जाते हैं और वापस अपने माँ बाप के पाँव छूने, गुरु के पाँव छूने। ये प्रोग्राम सिलीगुड़ी के बाद हॉल्स में है, उत्तर गंगा में है। सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 9:45 बजे गेट बंद हो जाते हैं। कल अनुदान होगा तो कितने लोगों को किया जाएगा? ये 100 से कितने लोगों को अंगदान? 100 का टारगेट है। और ये जो अंगदान, ये जो चल रहा है, ये जैसे मैंने बताया कलकत्ता से शुरू हुआ है और भारत के हर देश में होगा। तो यहाँ पर 100-150 दे रहे हैं, अगले शहर में और 100-150 दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर कम से कम 3-4 हजार लोगों को इस 20 दिन में अंगदान। अभियान कब शुरू हुआ था? 23 सितंबर को महावीर सेवा सदन कलकत्ता से शुरू हुआ, अभी सिलीगुड़ी में है। यहाँ से जाएंगे तो 1 तारीख को लुधियाना में है, 3 तारीख को अहमदाबाद में है, 4 तारीख को वडोदरा में है, ऐसे करते करते फिर बॉम्बे में, भारतवर्ष में, पूरे भारत में, पूरे भारत चलेगा। भारत को मन की अपंगता और तन की अपंगता से दूर कराना, ये 4 नवंबर तक चलेगा। 4 नवंबर तक चलेगा। 4 नवंबर को चंडीगढ़ में इसका समापन किया जाएगा। लेकिन समापन ऐसे नहीं है, बस एक ड्राइव है, उसके बाद ये लगातार आजीवन चलेगा कि कोई भी मन से अपंग ना। आप देखिए, लोग मन से ज्यादा अपंगे हैं तन से। कल मेडिटेशन सिखाई जाएगी, ध्यान साधना सिखाई जाएगी, और वो उसके साइंस समझाई जाएगी कि मेडिटेशन क्या चीज है, कैसे करते हैं। इस महीना में शुरू हुआ है, इस महीना में शुरू। आपका नाम?